नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका सुरमई टाइम्स में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में 18 दिन बाद एक बार फिर हिंसा। राजधानी इम्फाल में उपद्रवियों ने कई घर फूंके, सेना बुलाकर लगाया गया कर्फ्यू। कश्मीर में G20 मीटिंग शुरू, चीन समेत 5 देश हिस्सा नहीं लेंगे। एक्टर रामचरण ने डेलीगेट्स के साथ नाटू नाटू पर किया डांस। सफदरजंग अस्पताल से तिहाड़ जेल लौटे सत्येंद्र जैन, रीढ़ में परेशानी हो गई थी। केजरीवाल बोले, अत्याचारी भाजपा को भगवान माफ नहीं करेंगे। दिल्ली में खड़गे राहुल से मिले सीएम नीतीश, 40 दिन में दूसरी बार मुलाकात। ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद। केदारनाथ धाम में लगेगा कासे का ओम, 60 क्विंटल का वजन। मंदिर से 250 मीटर पहले लगाई जाएगी गुजरात में बनी प्रतिमा। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ईडी की पूछताछ के खिलाफ की अपील, 350 करोड़ का है स्कैम। एनआईए के सामने गैंगस्टर लॉरेंस ने किए बड़े खुलासे, टारगेट लिस्ट में सलमान खान और मूसेवाला का मैनेजर टॉप पर, अतीक अशरफ मर्डर में आया नाम। समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत, कहा मीडिया से बात और चैट सार्वजनिक न करें। नए संसद पर घमासान, आपका बीजेपी पर हमला, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन होगा, राष्ट्रपति मुर्मू और आदिवासी समाज का अपमान। गुयाना में गर्ल्स हॉस्टल में आग, 20 छात्राओं की मौत, हादसे के वक्त सभी सो रही थी, खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में आई दिक्कतें। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।